एक चॅलेंज तुम्ही धक्कामध्ये एक पागली महसूस करता. मैं आपके साथ जबरदस्त फ्लर्ट करने लगा. ठीक है, तो मैं ज्योति चार तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ. आई लाइक इट. मैं अभी भी शायद रोने लगूंगा. छोटा इंसान था और मैं छोटा ही रहूंगा. इससे पहले कि हम इंटरव्यू वीडियो शुरू करें, मैं आपको अपने आज के लुक के बारे में थोड़ा बताना चाहती हूँ. तो इस इंटरव्यू के लिए मैंने अपना लुक बहुत ही न्यू रखा है और इसके लिए मैंने जो प्रोडक्ट्स यूज किए हैं वो 7power.com से मंगाए हैं. तो सबसे पहले मैंने यूज किया है Maybelline का Fit Me फाउंडेशन. दिस इज माई ऑल टाइम फेवरेट फाउंडेशन. आई जस्ट लव दिस फाउंडेशन. तो मैंने यूज किया है शेड 220 नेचुरल बेस. दैट इज माई शेड एंड मैं इसको काफी टाइम से यूज कर रही हूँ. इट्स माई ऑल टाइम फेवरेट फाउंडेशन. और इसके बाद अपने अंडर आई को सेट करने के लिए और बेकिंग के लिए मैंने यूज किया स्टे कोडी का ट्रांसप्लेंट पाउडर. इट्स वेरी अफोर्डेबल एंड डज द जॉब रियली रियली वेल. एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज लिपस्टिक. तो मैंने लिपस्टिक मैंने लगाई है एंड मैं बेकिंग मैट क्रियोन ए स्टेप शेड नंबर 11. इट्स वेरी क्रीमी और काफी टाइम तक आपके फेस पर रहती है. तो ये थे मेरे ओवरऑल प्रोडक्ट. इन सभी प्रोडक्ट्स के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिए हैं. आप जब चाहे लिंक्स पर क्लिक करके इन प्रोडक्ट्स को खरीद सकते हैं. और इसके अलावा अपनी जरूरत का सामान मेकअप या स्किन केयर purple.com से खरीद सकते हैं. हैप्पी शॉपिंग. Thank you so much, Sanand ji. और आज आप हमारे सिकंजे में आ गए. कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ और मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि मैं आपको बहुत जल्दी वक्त नहीं दे पाया. मैं भी एक्चुअली बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ. तो इस वजह से मैं थोड़ा ज़्यादा व्यस्त रहता हूँ. मैं माफ़ी एक शर्त पर दूंगी. जी जैसे आप बोलेंगे आई लाइक इट, मैं आपको माफ़ी दे दूंगी. ओके, तो ये ज्योति चार जी के लिए है आई लाइक इट. अभी मैं शूट देख रही थी जिस तरह जब आप शूट कर रहे थे. ओह माय गॉड, कितने अमेजिंगली आप शूट करते हैं. ऐसे फटाक से सब कुछ चेंज होता है. योर एक्सप्रेशंस जस्ट अमेजिंग. कैसे कर लेते हो? इतने लगता ही नहीं है कि बंदा एक्टिंग कर रहा है. यू आर सो नेचुरल. हाँ, एक्चुअली इसमें मेरा जो एक्टिंग को लेकर मेरी जो दृष्टि है, मेरा जो नज़रिया है, मेरी जो सोच है, वो यही है कि हमारा जो दर्शक है, जो हमारा एंड यूज़र है, जिसके लिए हम बना रहे हैं, उस दर्शक को हम कुछ ना कुछ करना चाहते हैं. या तो हम उस दर्शक को हंसाना चाहते हैं, या डराना चाहते हैं, या रुलाना चाहते हैं, या इंगेज करना चाहते हैं अपनी स्टोरी टेलिंग में. तो वो इंगेजमेंट दर्शक का, जो कि हमारा एंड यूज़र है, वो इंगेजमेंट तभी आएगा जब आप बहुत ज़्यादा इंगेज हो जाएं उसमें, जो भी कैरेक्टर हम कर रहे हैं एज एन एक्टर. तो मेरी यही कोशिश होती है कि जो भी मैं कैरेक्टर कर रहा हूँ, उस कैरेक्टर में मैं इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाऊँ कि दर्शकों को इंगेज होने में बड़ा आराम मिले, बड़ी आसानी से दर्शक इंगेज हो सके मेरे परफॉर्मेंस में. बेटा, ये तू नहीं समझ सकता, क्योंकि दर्द में जो मज़ा है, उस मज़े को समझने वाला जो होता है वो सिर्फ पागल होता है. तो अभी भाभी जी घर पर को पूरे 5 साल हो गए हैं. एंड मैं भी इस जब 5 साल हो गए थे, आई वॉज हेयर ओनली. तो मैं भी उस खुशी का हिस्सा बनी थी उस टाइम के लिए. अब तो जो सक्सेना का जो रोल है, लोगों ने इतना प्यार दिया है, इतना प्यार दिया है. कैसे ये रोल मिला? आई वॉन्ट टू नो. मुझे एक्चुअली ये रोल ओरिजिनली आई वॉज नॉट बेसिकली इन द लिस्ट ऑफ फाइनल कास्ट. अच्छा, ओके. मैं उसमें नहीं था, लेकिन जो ओरिजिनली जिन लोगों को कास्ट करना चाह रहे थे ये लोग, वो लोग किसी न किसी वजह से अवेलेबल हो नहीं पाए. अच्छा. तो इस वजह से
डायरेक्टर हमारे जो शशांक बाली सर हैं, शशांक बली हैं वो, बाली नहीं, शशांक बली। तो हमारे डायरेक्टर शशांक बली को ये लगा कि सानंद वर्मा जो हमारे एक्टर हैं, क्योंकि मैं FIR में उनके साथ काम करता था, तो वो मुझे काफ़ी टाइम से जानते हैं, क्योंकि पहले मैं कॉरपोरेट में भी काम करता था, तो मेरे पुराने वो जानकार हैं, जानते हैं, परिचित हैं हम लोग। तो उनको ये लगा कि ये कैरेक्टर जो है वो सानंद वर्मा कर सकते हैं, तो उनको अप्रोच करना चाहिए। तो मनोज संतोषी जो हमारे राइटर हैं वो डिसएग्री कर रहे थे। अच्छा। उनका ये कहना था कि हमारे जो मनोज संतोषी राइटर हैं वो डिसएग्री कर रहे थे। उनको लगता था कि मैं नहीं कर सकता, आई एम नॉट द राइट फिट फॉर दैट रोल। ओके। लेकिन शशांक बली हमारे डायरेक्टर साहब, उन्होंने जिद की, उन्होंने कहा नहीं वो ओरिजिनली पागल लगता है। हाँ, रियल लाइफ में पागल टाइप का ही है वो, और ये पागल का कैरेक्टर है, वो कर सकता है। क्योंकि सक्सेना का जो एक्चुअल कैरेक्टर जो सक्सेना है, तो सक्सेना का जो वो जो पगलेट वाला कैरेक्टर है वो सानंद वर्मा में सचमुच है, नजर आता है। हाँ, तो नेचुरल करेगा उसमें, क्योंकि वो उस टाइप का है, उसमें वो पागलपन है। और उसका रीज़न भी साफ था, मैं एक बहुत बड़े कॉरपोरेट सेक्टर में, बहुत बड़े MNC में मैं काम करता था। मेरा 2008 अप्रैल में मेरी सैलरी कुछ 50 लाख रुपए थी एनुअल, और उस नौकरी को छोड़ के मैं 14 घंटे पैदल चलने लगा, स्ट्रगल करने लगा एक्टर बनने के लिए। इतनी अय्याशी की ज़िंदगी थी मेरी, मैं इतना ज़बरदस्त जॉब करता था, 50 लाख की मेरी सैलरी थी। मुझे बनना एक्टर था, पर मेरी मजबूरी थी, सर्वाइव करने के लिए पैसे चाहिए थे, तो मैं नौकरी करने लगा, क्योंकि ईमानदारी का कीड़ा काटे हुए है मुझे, ईमानदार आदमी हूँ, ऑनेस्ट आदमी हूँ, तो ऑनेस्टली काम करता रहा तो मेरी तरक्की भी होती गई। और जब तरक्की मुंबई आने के बाद तो तरक्की हुई मेरी, और मैं बहुत हाई लेवल पर चला गया। और यानी मेरे अंडर में जो लोग काम करते थे वो सब के सब पता नहीं कहाँ कहाँ से पढ़ के आए हुए हैं। कोई न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया था, कोई IIM अहमदाबाद से पढ़ के आया था, मैंने DU से कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स में ग्रेजुएशन किया है। मैं 7-8 साल का जब था तब से काम कर रहा हूँ, घर चला रहा हूँ अपना। मैं किसान था पहले, सबसे पहले मैं फार्मिंग करता था जब मैं 8 साल का बच्चा था। आप ट्यूशन्स भी पढ़ाते थे? फिर ट्यूशन पढ़ा, कितना सारा काम किया, किताबें बेची, मेरे पापा का पब्लिकेशन हाउस चलाया, और लर्नर हूँ, सीखता रहता हूँ। तो सीख सीख के मैं इतना आगे बढ़ गया कि एक बहुत बड़े MNC में मैं इस लेवल पे चला गया कि मुझे 50 लाख की सैलरी मिलती थी। और उस नौकरी को मैंने एक दिन छोड़ा, मैंने कहा बहुत हो गया, अभी सिक्योरिटी वाला गेम नहीं खेलना है, अब रिस्क लेते हैं, एक्टर बनने आए थे, एक्टिंग करेंगे। तो मेरे पास पैसे बचे नहीं थे कि मैं, हुआ ये प्रॉब्लम कि पैसे दुनिया भर के जो मिले थे, तो एक बहुत बड़ा मेरा घर था जो कि मैंने लोन पे लिया हुआ, तो मैंने सारा होम लोन अपना क्लियर कर दिया मुंबई में। ओके, तो आपने घर ले लिया था? मतलब हाँ, घर ले लिया था मैंने, तो वो पैसा ऐसा सारा मेरा जो कॉरपोरेट का पैसा था, ग्रेचुटी का, PF वगैरह, सब पैसा मेरे घर में चला गया। गाड़ी का EMI भरने के लिए फिर पैसे बचे नहीं, तो मैंने अपनी गाड़ी को बेचा, व्हीकुलर लोन जो था उसको फोरक्लोज किया। उसके बाद पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में ट्राई किया, तो मेरे से बर्दाश्त हुआ नहीं, क्योंकि लंबी नौकरी मैंने की थी और मुझे आदत रही नहीं रही थी, तो बर्दाश्त हुआ। मैंने कहा कि नहीं यार, ये सब नहीं करूँगा, मैं वॉक करूँगा। तो मैं डेली 7-7, 8-8 घंटे वॉक करता था। यानी एक साइड का बोल रहा हूँ, यानी इधर से जाता था, समझ लो आप 13-14 घंटे में डेली वॉक करता था। सुबह सुबह 6 बजे निकलता था, अंधेरे जाता था, वहाँ पे जाके 1 घंटे से पहले ऐसे स्टोन बैठा रहता था, 6 घंटे तक चला था। इतना चलना? हाँ, ऐसे बैठा हुआ, फिर 1 घंटे बाद चेहरे पे पानी वानी मार के फिर जाता था, ऑडिशन देता था, मीटिंग्स करता था, फिर वापस आता था पैदल घर पे। मैंने ये कसम खाई थी कि मैं नहीं जाऊँगा कभी अभी ये, ना लोकल ट्रेन में चढ़ूंगा, ना मैं बस में चढ़ूंगा, और ऑटो के लिए टैक्सी के लिए पैसे थे नहीं। तो महंगा पड़ता है। हाँ,
ये सब कर करके फिर 6 महीने के अंदर ही लेकिन मुझे एडवर्टाइजिंग में बहुत काम मिलने लगा। तो अपने 250 के करीब एड्स की हुई हैं, है ना? हाँ, 250। और फिर उसके बाद फिर आपने एड्स की हुई हैं, फिर आपने कुछ काम सीरियल्स में काम किया, FIR में काम किया, और देन फिर ये भाभी जी घर पर ऐसे आप घर घर में लाइक एक घर घर का हिस्सा बन गए आप। तो कभी सोचा था कि ये जो सक्सेना का जो रोल है लोग इतना ज्यादा पसंद करेंगे, इतना ज्यादा फेमस कैरेक्टर से मुझको मिलेगा? मैंने एक्चुअली सच बताऊं तो ये नहीं सोचा था कि इतना ज्यादा फेम मिलेगा। मैं एक्चुअली जब मैं सक्सेना के रूप में लोगों ने मुझे बहुत पसंद किया तो उस समय भी मुझे उतना रियलाइजेशन नहीं हो रहा था कि ये इतना पॉपुलर है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैं अपने आप में रहता हूँ, मैं ज़्यादा ध्यान देता नहीं इन बातों पे, हाँ, कि किसकी कितनी पॉपुलैरिटी है, किसकी क्या रेटिंग आ रही है, मैं इन बातों पे ध्यान नहीं देता, मैं अपने में मगन रहता हूँ। तो मुझे पता नहीं था, लेकिन फिर किसी वजह से मुझे कानपुर जाना पड़ा तो कानपुर में 12-12 बाउंसर्स ने मुझे घेर लिया और वहाँ पे कम से कम 5-6 हज़ार लोगों की भीड़ थी। My God. और उन सारे के सारे लोगों के मोबाइल ऑन थे और सब लोग मेरा रिकॉर्डिंग कर रहे थे, पब्लिक पागल हो रही थी। पहली बार वो मुझे एहसास हुआ कि बाप रे मैं इतना ज़्यादा पॉपुलर हूँ, इतना ज़्यादा, पूरा कानपुर जाम हो गया था मेरी वजह से। वो ट्रैफिक जाम, यानी मैं जिस गाड़ी से निकल के इवेंट से निकला बाहर, जिस गाड़ी में मैं था उसमें पूरा ऊपर नीचे सब आदमी लटके हुए थे उसमें। ओह माय गॉड। और यानी इतना ज़्यादा। तो मैं उसके बाद, मैं इमोशनल आदमी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया था। मैं तो आज भी याद करता हूँ, 3 दिन तक तो मैं रोता ही रहा था, सिर्फ ये सोच के कि भगवान ये आपने मुझे क्या दे दिया, मैं इस लायक हूँ। मैं जब भी ये सोचता हूँ, मैं अभी भी शायद रोने लगूँगा। तो इट वॉज समथिंग विच इज़ अनबिलीवेबल। मैं हमेशा ऊपर वाले का यही शुक्रिया अदा करता हूँ, भाई मैं बहुत छोटा इंसान था और मैं छोटा ही रहूँगा। तो वही है, जितना लोग आपको प्यार करते हैं बिकॉज यू डिजर्व इट, और आपने इस यहाँ तक पहुँचने के लिए आपने बहुत मेहनत की है और ये उसी मेहनत का फल आपको मिल रहा है। थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो अभी जैसे आप मुझको बता रहे थे कि कानपुर में कितना लोगों ने आपको प्यार दिखाया और कितना आप इमोशनल हो गए, तो एक्चुअली मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि मेरे जितने भी साथी कलाकार हैं वो सबके सब बहुत ज़्यादा जाते हैं इवेंट करने। महीने में कोई 4 इवेंट कर रहा है, कोई 5 इवेंट कर रहा है, पर मैं इवेंट नहीं करता हूँ कभी भी। को बहुत रेली, हाँ, आपने मुझे हार्डली देखा होगा, मैं नहीं जाता हूँ इवेंट में। और उसका कारण यही है कि एक तो मैं जब इतने सारे लोगों को देखता हूँ ना, और जब लोग आते हैं मेरे पास, मैं चाहता हूँ कि हर फैन के साथ, जो दर्शक, जो मेरा व्यूअर, जो मुझे इतना प्यार कर रहा है, हर फैन के साथ मैं 1-1 घंटा 1.5-1.5 घंटा बैठ उनके साथ खाना खाऊं, उनको प्यार करूं, उनको हर तरह की खुशी दूं, समझे? और वहाँ पे हजारों लोग आते हैं, मुझे लगता है कि मैं कैसे हैंडल करूं इन लोगों को, मेरे से नहीं होता है। वो जो एक प्रोफेशनल सेलिब्रिटी वाला जो अप्रोच है ना, वो मेरा अप्रोच है नहीं ज्योति। तो यही रीज़न है, मैं आज आपके इस इंटरव्यू में क्लियर कर दूँ कि इवेंट में मेरे ना जाने की वजह यही है। दुनिया भर के लोग होते हैं और मैं किसी को भी इग्नोर नहीं कर सकता, मैं किसी को भी हर्ट नहीं कर सकता, ये मुझसे नहीं होता। तो जितने भी लोग आएंगे, चाहे पूरे दिन लग जाए, रात में खड़े होकर सबके साथ फ़ोटो खिंचाऊँगा, सबके साथ बात करूँगा, सबको चाय ऑफर करूँगा, सबको प्यार करूँगा। मैं वैसा करना चाहता हूँ पर वो कर नहीं सकता मैं, क्योंकि हज़ारों लोग आ रहे होते हैं। तो इसी वजह से मैं इवेंट में नहीं जाता। ओके। तो अभी जब जैसा आप बता रहे थे इन सब चीज़ों के बारे में, अब मैं उस मोमेंट के बारे में पूछना चाहती हूँ, जब इतना काम करने के बाद जब आपको लगा हो कि यार अब लोग मुझको पहचानने लगे, वो मोमेंट कब आया था? कुछ याद है कि हाँ यार अब, अच्छा ये किसको तो हमने इस एड फिल्म में देखा है, इसको तो हमने इस फिल्म में देखा है, इसको हमने सीरियल में देखा, कब ऐसा लगा कि यार अब लोग मुझको पहचानने लगे हैं, अब लोग मेरा नाम भी जानने लगे हैं? ये एक्चुअली मुझे सच बताऊं तो मेरे एड फिल्म्स के दौरान ही
ये फीलिंग आ गई थी कि मुझे लोग बहुत, क्योंकि मैं हर दूसरे ऐड में नजर आता था और एक, बहुत पॉपुलर जो ऐड थी और बहुत अच्छे-अच्छे ब्रांड्स की जो हाँ, थी उसमें हाँ, जो टॉप क्वालिटी के जो ब्रांड्स थे उनके ऐड मैंने किए। मैंने 4 साल के अंदर 250 ऐड कर लिए, बहुत कम लोगों ने किया है। तो, आप में एक रिकॉर्ड है, हाँ। तो मेरे को बहुत ज्यादा जो थी लोग पहचानने लगे थे मेरे ऐड के ही टाइम से। लेकिन मैंने कभी भी एक्चुअली जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इन चीज़ों पे कभी ध्यान दिया नहीं। मैं अपने में ही रहने वाला आदमी हूँ तो मैं कभी सोचता नहीं था कौन पहचान रहा है कौन नहीं पहचान रहा है। बस एक्टिंग एक ऐसी चीज़ है, एक्टिंग एक ऐसा काम है जिसको कि मैं इंजॉय करता हूँ। तो मैंने कहा ना आपसे कि मेरा हर मोमेंट जो है वो सेलिब्रेशन का मोमेंट होता है, एंजॉयमेंट का मोमेंट होता है। तो एक ऐसा प्रोफेशन, एक ऐसा काम जिसको कि मैं इंजॉय करता हूँ वो मैं करना चाहता था, तो वो एक्टिंग ही है ना। तो इसलिए मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, तो मैं एक्टिंग कर रहा था। तो ऐड फिल्मों से ही लोग मुझे पहचानते थे। फिर ऐड फिल्मों के दौरान ही मुझे मर्दानी में ब्रेक भी मिला था, जिसमें कि मेरा अच्छा खासा रोल था और फिल्म भी सुपरहिट हुई थी, तो लोग पहचानते थे। पर सबसे ज़्यादा जो जिसको बोलते हैं ना कि नाउ दिस इज अल्टीमेट रिकग्निशन, तो अल्टीमेट रिकग्निशन का एज एन एक्टर जो पहला रियलाइजेशन मुझे हुआ वो भाभी जी के बाद ही हुआ। तो इसीलिए मैं इतना इमोशनल भी हुआ था, क्योंकि मैं इन चीज़ों पे ध्यान देता नहीं हूँ और गलती से चला गया एक इवेंट में और वहाँ पे जब मैंने वो देखा तो मैं पागल हो गया। मैंने कहा कि इतना ज़्यादा, तो वो एक पहला रियलाइजेशन मेरा था। तो मैं कहूँगा कि जो अल्टीमेट रिकग्निशन का एक फीलिंग होता है वो भाभी जी की वजह से मुझे मिला। ये जो आपका भाभी जी घर पे का जो डायलॉग है आई लाइक इट, ये इतना फेमस हो गया है, तो ये ऑलरेडी स्क्रिप्ट में था या आपने थोड़ा इम्प्रोवाइज किया, कुछ एक्सप्रेशन अपनी तरफ से डाले? देखिए ये क्या कर रहा हूँ, आँख मार रहा हूँ ना, ये है होता है अनप्रेडिक्टेबल होना, यू नो। जैसे अभी आपको ये लग रहा है कि मैं बहुत ज्यादा शरीफ, बड़ा प्यारा, बड़ा स्वीट आदमी और हाँ, और सडनली मैं आपके साथ जबरदस्त फ्लर्ट करने लगूं और आपको ये लगे कि ये क्या हो गया इसको। Just kidding. डरा लेते हैं उसको। अच्छा तो जैसे भी जो कैरेक्टर है सक्सेना का, जो आई लाइक इट जो है, तो ये ऑलरेडी स्क्रिप्ट में था या इम्प्रोवाइज किया, कुछ एक्सप्रेशन अपनी तरफ से जोड़े? हाँ, ये सारा क्रेडिट जाता है शशांक बली को, क्योंकि शशांक बली ने ही ये कॉइन किया था ये फ्रेज आई लाइक इट। वो लोग जब बात कर रहे थे तो भैया इस बंदे को थप्पड़ खाने में मजा आता है, हैं? तो शशांक के मुंह से ही निकला के थप्पड़ खाता है, बोलता है आई लाइक इट, हैं? उसके बाद जब हमने शूट किया तो शुरू में एक आध शॉट जो हुए तो उसमें कहीं शशांक सर को कमी लग रही थी, कुछ प्रॉब्लम है, तो फिर उनके माइंड में आया कि क्यों ना हम ऐसा करें कि कॉक आइड कर दें, जब भी ये आई लाइक इट बोलता है तो कॉक आइड हो जाता है। तो उन्होंने बोला कि कॉक आइड हो जाना जब भी आई लाइक इट बोलो, तो जब भी मैं थप्पड़ खाता हूँ तो ये आई लाइक इट ऐसा कॉक आइड हो जाता हूँ, है? तो दिस वर्क, ये जो एक्सप्रेशन है ये एक्सप्रेशन जो है ना वर्क कर गया। तो ये एक्सप्रेशन, ये कॉक आइड होना, ये भी शशांक सर का आइडिया था और आई लाइक इट भी उन्हीं ने कॉइन किया। ओके, तो अभी सक्सेना को इतने थप्पड़ पड़ते हैं और उसको मार खा के, और हाँ एक मिनट, ये जो मार खा के मजा आता है ये आइडिया, ये जो कैरेक्टर बिल्ड जो बिल्ड किया गया है ये मनोज संतोषी का काम है, जो जो हमारे राइटर हैं। तो इतने उसकी पिटाई होती है, मतलब ऐसा हमने कैरेक्टर देखा नहीं था जिसको मार खाने मजा आता, जिसको जब करंट लगे तो मजा आता हो, मतलब सारे जिन चीजों से नॉर्मली लोग डरते हैं उन्हीं चीजों को करके उसका मजा आता हो। तो जब ये कैरेक्टर सुना कि यार ऐसे ऐसे रोल है तो वो लगा था कि यार ये तो बहुत अच्छा रोल है, क्योंकि इस फिल्म में हर तरह की शेड्स है, हर तरह के अलग अलग किरदार आप रोजाना अलग अलग निभाते हो, आई गेस कुछ ऐसा रहा नहीं जो उस किरदार ने अभी तक नहीं किया हो। कैसे लगा था चाहे मुझे रोल्स के बारे में सुना था या जो अपॉर्चुनिटी, अब आप उस अपॉर्चुनिटी को या तो हाथों हाथ ले लो या आप उसको मिस कर लो।
अगर आप मिस कर गए तो आपको बोला जाता है अंग्रेजी में लूजर, अगर आप उसको पकड़ लेते हो तो आप हो जाते हो विनर, है ना। मेरे को ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि सक्सेना का जो ये कैरेक्टर मुझे मिला जिसमें कि शशांक बली का कंट्रीब्यूशन है, मैं शशांक बली को ही सारा क्रेडिट देता हूँ, उन्होंने उनकी वजह से ही मैं सक्सेना बना हूँ। तो उन्होंने जो मुझे ये रोल दिया तो उसके लिए मैं ज़िंदगी भर उनका शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि ये रोल सचमुच वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी थी मेरे लिए। और मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ये इतना ज़्यादा पसंद करेंगे लोग। हाँ, मैं एक्चुअली कंटिन्यूटी का कैरेक्टर करता ही नहीं था, क्योंकि मुझे फिल्म स्टार बनना था, तो मैं टेलीविज़न स्टार बनना नहीं चाहता था। हाँ, तो मैं इसलिए कंटिन्यूटी का कैरेक्टर करता नहीं था। भाव FIR शशांक सर करते थे तो उसमें मैं इसलिए करता था क्योंकि उसमें गेटअप होते थे, हाँ, रोजाना अलग अलग, दाढ़ी मूछ हो गया, कभी कुछ, कभी धोबी बन रहा हूँ, कभी कुछ। तो उसमें जो मेरा ओरिजिनल चेहरा है वो एक्सपोज होने का चांस बहुत कम था, तो इस वजह से। लेकिन जब भाभी जी मुझे ऑफर हुआ, जब मैंने ये देखा, मैंने कहा यार ये रोल बड़ा ज़बरदस्त है, अनयूजुअल है, ऐसा रोल आज तक कभी भी किसी ने किया नहीं पूरी दुनिया में, वर्ल्ड टेलीविजन में आप चले जाओ, वर्ल्ड क्लास रोल है ये। मैंने कहा यार ये एक ऐसा टेलीविज़न की पहुंच बहुत है, और उस समय तक वो हो चुका था कि हमारे अमिताभ बच्चन जी ने एक फिक्शनल कैरेक्टर कर लिया था युद्ध में, और सुशांत सिंह राजपूत ने वो कर लिया था कायपोचे कर लिया था, वो भी टेलीविज़न से निकल के गए थे। सुशांत सिंह को अगर एक्सेप्ट किया जा सकता है, और अमिताभ बच्चन जैसा महान कलाकार अगर एक टीवी सीरियल कर सकता है ना, तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकता। तो फिर मैंने वो अपना जो थॉट था कि नहीं यार मुझे नहीं बनना टेलीविज़न स्टार, वो मैंने माइंड से निकाल दिया, और मैंने ये कहा कि मैंने कहा ये बहुत सही, बहुत बढ़िया रोल है ये, और बहुत अनयूजुअल है, तो मुझे ये करना चाहिए। तो मैंने वो किया, और ऊपर वाले की दया से मेरा डिसीजन सही था। लोगों ने बहुत पसंद किया, बहुत प्यार आपको मिल रहा है। अभी जैसे आपने बताया कि आप एक साथ 6-6 प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, तो फिल्मों में भी माशाल्लाह आप, ये नहीं कि सिर्फ भाभी जी में ही आप काम कर रहे हैं, अलग अलग तरह के किरदार आप निभा रहे हैं, हमेशा हमें सरप्राइज देखने को मिलता है, अच्छा इसमें भी सानंद वर्मा है, इसमें भी है, ओ माय गॉड। तो अभी और आगे क्या क्या कर रहे हो? एक तो मैं मेंशन करना चाहूंगा इस इंटरव्यू में कि मुझे छिछोरे फिल्म से बहुत ज्यादा खुशी मिली। मैं नितेश तिवारी साहब का बड़ा एहसानमंद हूँ कि उन्होंने मुझे छोटा ही सा रोल दिया, पर उन्होंने वो रोल दिया उस फिल्म में, क्योंकि वो छोटा सा जो रोल है, एक सीन का रोल, वो सबको याद है। हाँ। है ना, आपने वही में बोल रही, जितने छोटे छोटे रोल भी किए ना, चाहे कोई मिलाकर 2 मिनट का रोल हो, पर लोगों को वो रोल याद रहा है, लोग याद है कि अच्छा आप उस फिल्म में थे। हाँ। और वो रहे कि यार बहुत अच्छा काम किया, छोटा सा रोल मिला पर काम अच्छा कर गया। तो मुझे बड़ा मज़ा आता है जब मैं ऐसा देखता हूँ कि जो भी मैं कर रहा हूँ वो वर्क कर रहा है। तो बस यही है, आजकल तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, तो कुछ वेब सीरीज है मेरे हाथ में जो कि मैं कर रहा हूँ, कुछ फिल्में हैं जो कि मैं कर रहा हूँ, और साथ में मैं भाभी जी भी कर रहा हूँ। भाभी जी को भी मैं छोड़ता नहीं हूँ, मेरी जगह कोई भी दूसरा एक्टर होता तो कब का छोड़ चुका होता भाभी जी। लेकिन भाभी जी, मैं जैसा कि आपको पता है इमोशनल आदमी हूँ, और मैं इमोशनली इन्वॉल्व हूँ इस शो के साथ, तो ये शो मैं सिर्फ और सिर्फ इमोशनल रीजन से करता हूँ, क्योंकि मैं उस कैरेक्टर से जिसका नाम अनोखेलाल सक्सेना है, उससे मैं बहुत जुड़ा हुआ हूँ। उस कैरेक्टर में आने में, ये वाले सक्सेना के कपड़े पहनने में, सक्सेना की तरह फील करने में मुझे बड़ा मज़ा आता है। सक्सेना एक ऐसा कैरेक्टर है जिसने पहली बार मुझे बहुत ही टॉप क्लास का फेम दिया, टॉप क्लास का फैन फॉलोइंग दिया मुझे, तो इस कैरेक्टर ने मुझे बहुत कुछ दिया है। तो मैं वैसा इंसान नहीं हूँ कि आज अगर मेरे पास बहुत सारे ऑफर्स आ रहे हैं, बहुत सारा काम है, तो वो काम जिससे मुझे पहचान मिली सबसे पहले बहुत बड़े लेवल पे, उस काम को मैं छोड़ दूँ, ऐसा मैं नहीं कर सकता कभी। तो इसलिए मैं भाभी जी भी कर रहा हूँ, साथ में और भी अलग अलग प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ, और भगवान
कि दया से मैं सब कुछ मैनेज करके चल पा रहा हूँ। इस बात की मुझे बड़ी समझ में नहीं, आप मैनेज कैसे कर रहे हो एक साथ छह प्रोजेक्ट्स पर, क्योंकि भाभी जी घर पर में आपका मोस्टली टाइम तो यहीं चला जाता है यहाँ शूट करने में। नहीं तो वो मैनेज हो जाता है, जैसा कि मैंने आपको कहा कि मैं सीनियर मैनेजमेंट का पार्ट था एक बहुत बड़े मल्टीनेशनल कंपनी में, तो मैनेजमेंट भी एक आर्ट होता है, एक कला होती है। हर आदमी अच्छा मैनेजर नहीं बन सकता, पर मैं बहुत अच्छा मैनेजर रह चुका हूँ। मेरे अंडर में बहुत सारे लोग काम करते थे जिनका अप्रेजल मैं करता था, अच्छा। जिनके फ्यूचर के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हुआ करता था, तो मुझे पता है हाउ टू मैनेज थिंग्स। सो इफ़ यू आर लाइक केपेबल ऑफ डूइंग समथिंग देन यू शुड डेफिनेटली डू इट। तो मैं एक अच्छा मैनेजर हूँ, इसलिए मैं डेट्स अपनी खुद ही मैनेज करता हूँ, मैंने कोई मैनेजर रखा नहीं, खुद ही मैनेज करता हूँ और अलग अलग प्रोजेक्ट्स करता हूँ। और भाभी जी में भी सफ़र नहीं होने देता। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप डिसिप्लिन में रहें। अगर आपने डिसिप्लिन में रहना शुरू कर दिया ज़िंदगी में, आपको चीज़ें पता रहनी चाहिए, क्लियर रहना चाहिए, मुझे ये करना है। और वो सबको, जो भी ऑल कंसर्न्ड, हर आदमी को जो भी आपके प्रोफेशनल लाइफ में आपसे जुड़े हुए हैं, उनको सबको पता रहना चाहिए कि दिस इज़ द डिसिप्लिन दैट वी नीड टू फॉलो। और ऑब्वियसली अगर थोड़ा डिसिप्लिन रहेगा तो विल बी एबल टू डू थिंग्स, ऑफ कोर्स। अदरवाइज आज की चीज कल पर, कल की परसों पर और कभी नहीं। बिल्कुल, मैंने पटाखा जैसी फिल्म, विशाल भारद्वाज जैसे महान फिल्म मेकर की फिल्म की है, और उस फिल्म में मेरा कितना, मैं 35-40 दिन का शूट था मेरा, मैं पूरा बैक टू बैक, काफी बेहतरीन रोल था उसमें। हाँ, उसमें मेरा वन ऑफ द लीड्स था, और लोगों ने बहुत पसंद भी किया था। हाँ, और बिल्कुल हटके रोल था। हाँ, वैसे सबके रोल सारे हटके ही रहे, मतलब मुझको तो लगता ही नहीं है कहीं पर कोई रिपीटेशन मैंने देखा हो, सारे रोल ही हटकर रहते हैं। क्या अलग से आते हैं आपके पास रोल चलकर? नहीं नहीं, मैं कोशिश करके मेहनत करके उसको बनाता हूँ। रोल तो मेरे पास जितने आते हैं उससे कहीं ज़्यादा रोल्स शाहरुख खान साहब के पास जाते होंगे, है ना, या सलमान खान साहब के पास जाते होंगे। पर सलमान खान, शाहरुख खान में और मुझ में यही फ़र्क है कि सलमान खान साहब जैसे दबंग 3 में लगते हैं, वैसे ही वो राधे में भी दिखेंगे, वैसे ही वो हर फिल्म में दिखेंगे, है ना, क्योंकि वो सलमान खान है और सलमान खान का फ़ैन फॉलोइंग है। मैं भी उनका बहुत बड़ा फ़ैन, है ना, तो हर तो हर आदमी सलमान खान को देखने जाता है। तो सलमान खान ने जैसे ही चेंज किया, और अगर मैं ये नहीं बोल रहा कि वो कैपेबल नहीं है, वो भी वो एक्टिंग कर सकते हैं जो जो मैं अचीव करना चाहता हूँ, या जो मेरे रोल मॉडल्स हैं एक्टिंग के, जैसे डैनियल डे लुइस मेरे रोल मॉडल हैं। तो सलमान साहब जो हैं वो डैनियल डे लुइस से भी ज़्यादा अच्छी एक्टिंग कर सकते हैं, लेकिन उनको पता है कि लोगों को भैया सलमान खान को ही देखना है, उनको वो कपड़े उतारने हैं, उनको वही देखना है, वही बिकता है, वही फैंस चाहते हैं, तो वो करते हैं, है ना, तो उसमें कोई बुराई नहीं। पर मेरा ये है कि मुझे वैसा नहीं दिखना, मुझे सानंद वर्मा नहीं दिखना, मुझे वो कैरेक्टर दिखना है, क्योंकि मुझे एक कहानी कहनी है, क्योंकि मेरा जो एंड यूज़र है वो उस कहानी को देखने गया, उस फिल्म को देखने गया, उस फिल्म में एक कहानी है, उस कहानी में वो किरदार जो है वो किरदार रहना चाहिए, सानंद वर्मा नहीं रहना चाहिए। तो हाँ, तो उस किरदार को रखने के लिए मुझे किरदार की तरह सोचना पड़ेगा, वैसा हार्डवर्क करना पड़ेगा, वैसी वैसा नज़रिया बनाना पड़ेगा, उसके ऊपर रिसर्च करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा बंदे में वो बोलता है तो कैसे बोलता है, उसकी आवाज़ में अगर पता है आपको, आवाज़ भी जो होती है, जो वोकल टेक्सचर होता है, वो टेक्सचर भी आपकी सिचुएशंस के हिसाब से, आपकी अपब्रिंगिंग के हिसाब से, आपके नॉलेज के हिसाब से, माहौल क्वालिफिकेशन के हिसाब से, स्टडी के हिसाब से, है ना, वो टेक्सचर चेंज होता है। बिल्कुल, आप हर एक बारीकी का ध्यान रखते हो। अगर आप किसी मान लीजिए किसी चौल में आप पैदा हुए हैं, है ना, तो किसी चौल में पैदा हुआ कोई बंदा स्विट्जरलैंड में पैदा हुआ, दोनों का वोकल टेक्सचर सेम है ना, लेकिन जो स्विट्जरलैंड वाला बंदा है वो, उसकी आवाज़ आपको अलग लगेगी, और जो चौल में बच्चा पैदा हुआ था उसकी आवाज़ अलग है। दोनों का टेक्सचर, दोनों का जो गॉड ने बनाया है वो सेम है, एकदम सेम है, लेकिन दोनों एकदम अलग बात करेंगे। ठीक है, तो मैं ज्योति चार तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ, आई लाइक इट।